हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाय, माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद 25 फाइव एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यु आईएएस व्हिच हैज़ गिवन मोर देन 2200 टू सेलेक्शंस सिंस 1999। दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाय बचे बात को ध्यान से समझिए कि हमारा ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है वो ह्यूमैनिटी के लाइफ स्पैन के सामने कुछ भी नहीं है तो इंडिया में जो एवरेज लाइफ है, है ना, तो दैट इज अराउंड सिक्सटी एट टू सेवेंटी फाइव के बीच में राइट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के से बात करें तो राइट right? तो ह्यूमैनिटी की लाइफ और ह्यूमंस की लाइफ में फर्क है दैट मीनस कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइट इसीलिए कोई भी स्पीशीज क्यों ना हो वो अपने यंग वंस को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती है राइट वैसा ही हमारा आज का जो टॉपिक है सम वॉट इससे रिलेटेड है एक ऐसा पोर्टल है बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट राइट जहां पर जो मिसिंग चिल्ड्रन है है ना उसकी रिपेट्रिएशन उनकी रिपेट्रिएशन और उनसे रिलेटेड जितने भी काम है जितनी भी कोऑर्डिनेशन है राइट वो इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर होता है राइट यूपीएससी <coughs> में किस तरीके से सवाल आएगा आपको कि वो पूछ सकते हैं कि घर पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इज इन कॉन्टेक्सट विद वॉट है ना तो वो आपका चाइल्ड राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में है जो मिसिंग uh, चिल्ड्रन होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये पर्टिकुलर टॉपिक है राइट तो हरियाणा के अंदर भी आपको इसी टाइप के सवाल आ सकते हैं आपको पंजाब में भी इसी टाइप के जो पंजाब सिविल सर्विस हैं हिमाचल में भी इसी टाइप के सवाल आ सकते हैं राइट right? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जितने भी ह्यूमंस हैं वो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन से राइट बिकॉज दे आर दी वन जो की ह्यूमैनिटी को मैन काइंड काइंड ऑफ स्पीशीज विच इज कॉल्ड मैन राइट मैन काइंड को आगे लेके जाते हैं तो हम जितने भी एफर्ट्स इसके लिए करते हैं हमारे को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पता होने चाहिए कि हम चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और खासकर वो चीज जो कि डायरेक्टली उनके मिसिंग होने से ही रिलेटेड है राइट right? आइए बच्चे देखते हैं सो दिस इज घर पोर्टल विच इज कॉल्ड गो होम एंड री राइट हो सकता है कि आपको अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको डायरेक्टली जो है वो फुल uh, फॉर्म जो है वो वही वो पूछ लें राइट तो आपको वो भी पता होनी चाहिए ये इनकी ऑफिशियल साइट से ही मैंने uh, उठाया ये उनका होम पेज पे एक्जेक्टली exactly यही पिक्चर लगी हुई है राइट आइए बच्चे देखते हैं इसके डिटेल तो ऑब्जेक्टिव क्या है घर पोर्टल हैज द प्रोटोकॉल्स अंडर जुबेल जस्टिस एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन जब हम रेस्टोरेशन uh, की बात करते हैं रिपेट्रिएशन का मतलब कि घर वापसी कि आपने उसको रिपेट्रिएट कर दिया वापस घर भेज दिया रेस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि हम लाइफ रिस्टोर करके देते हैं राइट अगर कोई कॉम्पनसेशन देनी है कहीं पे एडमिशन करवानी है राइट कुछ पैसे वैसे देने हैं तो वो सारी चीजें वो रेस्टोरेशन के अंदर आ जाती है राइट एंड रिपेट्रिएशन इज एज सिंपल एज कि भटके हुए थे घर भेज दिया उसके बाद में सरकार नहीं देखती तो ये पर्टिकुलर पोर्टल जो है ये दोनों चीजों पर काम करता है बिकॉज जो आपका जे जे एक्ट है जुबिनल जस्टिस एक्ट है वो दोनों चीजों को कवर करता है कंपनसेशन एज वेल एज योर रिपेट्रिएशन राइट आगे चलते हैं बच्चे ये पर्टिकुलर पोर्टल क्यों इंपॉर्टेंट है इज दैट कि अभी तक जो है एनसीपीसीआर ने रिपोर्ट किया है कि लगभग पांच हजार लोग बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड है इस पर्टिकुलर आपके पोर्टल के ऊपर फॉर रिपेट्रिएशन राइट बच्चों का क्योंकि पता नहीं होता है कि वो कहाँ से किधर से आए हैं कोई ट्रेन में बैठ के इधर उधर चले गए हैं राइट तो यू मेंटेन अ डेटा बेस राइट उसके बाद में वो डेटा बेस सारे एक्सेस कर सकते हैं एंड अगर कोई मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट कहीं से भी आती है राइट तो हम वहां से वेरीफाई कर सकते हैं और अगर कोई लैंग्वेज बैरियर है तो वो भी जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए तो ये एक मल्टी पोर्टल जो है वो काम में आ रहा है आगे देखते हैं बच्चे

तो वो पर्टिकुलर एजेंसी देखेगी ना कि कैसे करना है अब बाहर के लोग नहीं आके यहां पे बता पाएंगे अगर अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में करना है तो लोकल अथॉरिटीज को ही इन्वॉल्व करते हैं दिस इज द पोर्टल दैट दोर्टल इन इट राइट अगेन मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस टाइप के जो पोर्टल्स होते हैं ये कोई नई सर्विस क्रिएट नहीं करते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट सर्विसेज को राइट right? आइए बच्चे आगे चलते हैं वेयर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रांसलेटर है ना या फिर इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट है तो रिक्वेस्ट विल बी मेड टू कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है ना अगर लैंग्वेज का कुछ इशू आ रहा है जो भी है डिजिटल ट्रांसफर ऑफ केसेज ऑफ चिल्ड्रन टू दसर्नड जे जे बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज ऑन द स्टेट मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड रिपेट्रिएशन रेस्टोरेशन वो आपको सब कुछ जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा आगे चलते हैं बच्चे मेरे को एक बार ना मैंने आई थिंक मिस करा है वहां पे कमेंट्स के अंदर मुझे ये लिख के बताइए जो ये एनसीपीसी आ, आ रहा है और जो पर्टिकुलर पोर्टल है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है राइट right? कॉमेंट्स में मुझे लिख के बताइए आप हो सका तो देखना मत गूगल पे थोड़ा दिमाग लगाइए अगर आंसर गलत भी आ रहा है कोई बात नहीं पोस्ट कर दीजिए वहां पर है ना तो आ, थोड़ा मुझे पता लगेगा कि आप लोग सोचते कैसे हो तो उस हिसाब से फिर मैं जो फ्यूचर का कंटेंट है मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूंगा

this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024